आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उर्दू कवायद क्लास 8 अपनी ज़बान के। तो सबसे पहले हरूफ के बारे में पढ़ेंगे, हर्फ क्या होता है। ज़बान में लफ्ज़ की सबसे छोटी इकाई हर्फ है, जैसे अलिफ बा था। लेकिन कवायद में हर्फ से मुराद वो कलमा है जो दो लफ्ज़ों या जुमलों के आपस में मिलाता है, जैसे तक, पर, में, से, वे। हरूफ के हर्फ की खास किस्में दर्ज है। हर्फ जार, वो हर्फ जिसकी मदद से जुमले बनते हैं और उसके बगैर ना तो जुमलों में रब्त पैदा हो सकता है और ना ही जुमले बामानी हो सकते हैं, जैसे सोहन घर से निकला, राशिद स्कूल में है, मेज़ पर गिलास है। ऊपर लिखे हुए जुमलों में खत कशीदा हर्फ हर्फ जार है, मतलब जो कनेक्ट करते हैं। हर्फ इत्फ, वो हर्फ जो मुफरद कलमों या जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे और, वाव है वगैरह। असलम और अख्तर आए, नेको बद। हर्फ रब्त, वो हर्फ जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ते हैं, हर्फ रब्त कहलाते हैं, जैसे का, की, के, को, से, पर, तक वगैरह। मेज़ पर गिलास रखा है, स्कूल से घर तक 1 किलोमीटर का फासला है, संदूक में कपड़े हैं, आज का काम कल पर मत टालो, हमने खाना खाया। हर्फ निदा, वो कलमात जो किसी शख्स को अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए, पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हर्फ निदा कहलाते हैं, जैसे ओ, ए, अरे, अजी वगैरह। अब इसके आगे भी हैं, इसके अंदर जो थोड़े से दे रखे हैं, इजाफत। इजाफत किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। इजाफत के बहुत से किस्म हैं उर्दू में, बहुत सारे। इस उर्दू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाने वाली इजाफत वो है जो का, की, के से ज़ाहिर होते हैं, जैसे हिमायों का मकबरा, हज़रत निज़ामुद्दीन की बस्ती, गुलाब के फूल। कहीं कहीं का, की, के का मफहूम ज़बर ज़ेर के निशान से भी ज़ाहिर किया जाता है उसे, जैसे दर्द दिल, शमाए अवध, सुबह बनारस वगैरह। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।